हरे कृष्णा मित्रों, मैं सौगडावास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस पे। हम बहुत दिनों बाद जो है वो आज दोबारा मिल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें शुरुआत होती है जब एक माँ जो है वो डॉक्टर को बोलती है कि खिला पिला कर बच्चे को सुलाया था बगल में, खिला पिला कर बच्चे को था बगल में सुलाया, सुबह देखा तो मृत उसे था पाया। क्या सच में ऐसा होता है कि बिना किसी बीमारी के बच्चा जो है वो सोते सोते मर जाता है? ऐसा क्यों होता है? कौन कौन सी ऐसी वजह होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा इस बीमारी से बचा जा सकता है, ये सच में बीमारी है या नहीं भी है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारी क्लास में। क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जो भी क्लासेस दी जा रही हैं वो ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव वे से आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, साथ साथ में यदि आप क्लासरूम स्टूडेंट हैं तो भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। और इसके साथ साथ इन क्लासेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ना केवल ये क्लासेज मेडिकल फील्ड वालों के लिए ही काम की हैं, बल्कि जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं हैं और बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये क्लासेस बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। अतः आप इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करें और अपनी पढ़ाई भी फोकस करें। तो शुरुआत करते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है SIDS। सिड्स क्या होता है? सिड्स, जैसा कि आपने शुरुआत में पढ़ा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा था कि क्लास की शुरुआत कहाँ से होती है, जब एक माँ डॉक्टर के पास आ रही है और बोल रही है कि खिला पिलाकर बच्चे को बगल में था सुलाया, खिला पिलाकर बच्चे को बगल में था सुलाया, सुबह जब देखा तो मृत उसे पाया, मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो हमारी आज की क्लास जो रहेगी वो किस पे रहेगी? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अचानक से एक साल का बच्चा मर जाता है। कैसे मर जाता है, क्या इसके पीछे वजह है, कैसे इसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन। मैंने पहले ही कहा था कि हमने क्लास को कुछ इस तरीके से बनाया है कि क्लासरूम के साथ साथ ये कंपटीशन में भी काम में आए, इसलिए हम उसी हिसाब से क्लास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, क्या ये बीमारी होती है, कहाँ से इस बीमारी की शुरुआत हुई। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करें तो यदि आप में से किसी ने 2018 का ESIC का पेपर दिया हो तो उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि क्रीप डेथ इज एसोसिएटेड विद, क्रीप डेथ जो है वो किससे संबंधित होती है। तो अब आपके पास इसका जवाब आ गया कि ये जो आपकी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, इसे ही किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज क्रीप डेथ। अब आप पूछोगे कि सर इसे क्रीप डेथ क्यों कहा जाता है, तो भी इसका जवाब आप ही के पास है कि आपने कहा था कि माँ बोल रही थी कि मैंने बच्चे को सुलाया था, मतलब सोता सोता पालने में जो बच्चा सो रहा था सोते सोते ही बच्चे की क्या हो गई है? डेथ हो गई। इसीलिए सिड्स को और किस नाम से जाना जाता है? क्रीप डेथ के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है क्रीप डेथ के बारे में, तो आप जवाब दोगे सिड्स। और इसका एक और नाम है, उसे आप बोलते हो कॉर्ड डेथ। ठीक है, मतलब पालने के अंदर ही बच्चे की मृत्यु होना ही कहलाता है सिड्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि सिड्स का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में सामान्य भाषा में अर्थ समझे तो आपने कहा था कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मतलब क्या हो रहा है, आपका बच्चा जो है वो अचानक से मर गया, आपका बच्चा क्या हो गया, अचानक से मर गया है, तो आप क्या बोलोगे? सडन डेथ किसकी हो रही है? इन्फेंट की, और वो भी अननोन कॉज। ठीक है, तो समझ में आ गया सिड्स का मतलब क्या हुआ। ये सिर्फ इस शब्द का अर्थ बता रहा है कि सडन डेथ ऑफ इन्फेंट अननोन कॉज, बिना कारण के, मतलब आपको कारण का पता नहीं है, डॉक्टर को कारण का पता नहीं है,
फिर भी आपका बच्चा मर रहा है, ऐसी बीमारी को आप सिड्स का नाम देते हो। ऐसी बीमारी को आप किसका नाम देते हो? सिड्स का नाम देते हो। इसी के साथ एक और सवाल पे हम फोकस करते हैं। यदि आपने DSSB का पेपर दिया हो तो उसके अंदर भी एक सवाल आपको देखने को मिला था, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। क्या था सवाल? था डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। ये किससे संबंधित है? डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन टर्म इज रिलेटेड टू, ये कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब होता है रूल आउट अदर कॉज फर्स्ट। रूल आउट अदर कॉजेज फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्टली आपको क्या करना है? रूल आउट पता लगाना है अदर कॉजेज, दूसरा कारण। आप सबसे पहले मृत बच्चे को देखकर सिड्स नहीं बोलते हो। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन मतलब पहले क्या करते हो? उससे पहले आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि बच्चे में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं थी, ठीक है। तो DSSB में सवाल आया था कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूजन ऑफ डायग्नोसिस जो है वो कौन सी बीमारी में काम में लिया जाता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी का नाम देने से पहले आप दूसरे कोई कोच जो है उन सब के बारे में पढ़ते हो, देखते हो कि कहीं किसी और बीमारी की वजह से तो बच्चा नहीं मरा है। जब आप सारे के सारे कॉजेज पढ़ लेते हो और आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक कॉज आपके सामने नहीं आया, कोई एग्जैक्ट कॉज जो है वो आपके सामने नहीं आया, तब आप जाकर नाम देते हो कि बच्चे की डेथ जो है वो सिड्स से हुई है। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये ESIC में पूछा गया है और ये आपके DSSB के अंदर पूछा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन। सिड्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो जैसा आपको ये देखने को मिल रहा है आप उसी के आधार पे जो है वो डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हो। डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम सिड्स, सिड्स डिफाइंड एज, क्या हुआ? सडन मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड। कोज भी जिसका पता नहीं है और कब हो सकती है ये भी आपको पता नहीं है, तो अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सप्लेन्ड डेथ of an infant, याद हो गया? यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, क्लासरूम स्टूडेंट हैं, तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ता है। तो सिंपल से एक सेंटेंस के अंदर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि सिड्स की डेफिनेशन क्या हुई। आपने यहां पे लिखा सडन, उसी शब्द को मैंने चेंज किया कि अचानक, अनएक्सपेक्टेड। आप अंदाज नहीं लगा सकते कि आज मरेगा या कल मरेगा या अभी मरेगा या थोड़ी देर बाद में, अनएक्सपेक्टेड। और आगे आपने लिखा जिसका कॉज भी एग्जैक्ट कॉज नहीं, आपको नहीं पता कि किस कारण से मरा है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन पढ़ा था आपने, मतलब अनएक्सप्लेन डेथ। और आगे लिखा है ऑफ एन इन्फेंट, ऐसा किस में होना चाहिए? एक बच्चे के अंदर। और बच्चा कौन सा? इन्फेंट मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र क्या है? एक साल तक, ठीक है। तो एक साल तक या एक साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु यदि अचानक से और बिना किसी कारण के हो जाती है, उस बीमारी को नाम आप देते हो सिड्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सिड्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो जो सिड्स के बारे में हैं, जिन्हें आप जो है एपिडेमियोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी इंसिडेंस क्या है, कितने लोगों के अंदर जो है ये देखने को मिलता है, कौन कौन से बच्चे में ये देखने को मिलता है। तो इंसिडेंस की बात करें तो आपका जवाब क्या होगा, कितने लोगों में देखने को मिलेगा? 0.6%। कितने लोगों में देखने को मिलेगा? 0.6
0.6% ठीक है, 1000 लाइव वर्क जो हैं उनमें 0.6% बच्चे जो है वो किसका शिकार होंगे, सिड्स का शिकार होंगे। इंसिडेंस के बाद में आप एपिडेमियोलॉजी में और क्या पढ़ते हो, कौन सा सेक्स जो है वो प्रभावित होता है, तो यहां से भी जो है वो सवाल पूछा गया है कि सिड्स जो है वो कौन से सेक्स को ज्यादा प्रभावित करता है। तो आपका सही जवाब होगा कि मेनली जो है सिड्स से प्रभावित होता है मेल बेबी या फीमेल बेबी, मेल बेबी। ठीक है, तो आपका सही जवाब जाएगा मेल। यदि आपसे एग्जाम में फिर से ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो आपका सही जवाब जाएगा कि जहां पर दो फीमेल बेबी जो है वो सिड्स का शिकार होती हैं, वहां पर तीन मेल बेबी जो है वो इस बीमारी से मर जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम एज कौन से लोगों के अंदर, तो अब आपका जवाब होगा सर आपने पहले ही तो बता दिया कि सडन इन्फेंट तो एक साल से कम के ही होंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये ना केवल क्लासरूम के लिए है, कंपटीशन के व्यू से भी ये क्लास तैयार की गई है, तो वहां तो आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो एक साल से कम में तो बहुत ऑप्शन आ सकते हैं, यदि उसने ऑप्शन दे दिया 2 to 6 month, 6 to 8 month, 2 to 4 month या 2 to 3 month, तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब जो है वो आपको लिखना है 2 से 4 महीने, 2 to 4 month। याद करने के लिए आपको याद रखना है कि एक साल से कम उम्र के बच्चों में ही सिड्स देखने को मिलता है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम के में कि कौन से महीने, ठीक है, या कौन सी उम्र जो होती है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो सिड्स से ग्रसित होते हैं, तो आपका सही जवाब होगा, एक्यूरेट जवाब होगा कि 2 से 4 महीने की जो अवस्था है उसके अंदर ज्यादातर मेल बेबी जो है वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं या इस बीमारी के द्वारा अपनी जान दे देते हैं। अब आगे बात करते हैं कि कौन सा क्या ऐसी सीजन भी कोई होता है जिस सीजन के अंदर जो है बच्चे मरते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो सही जवाब आपका रहेगा समर सीजन। कौन सा रहेगा, समर सीजन। अब और आगे बात करते हैं हम, एज हो गया, सेक्स हो गया, इसके बाद टाइम की बात, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टाइम। तो मोस्ट ऑफली इस सिड्स को जो देखा गया है वो कहां देखा गया, ड्यूरिंग स्लीप, बच्चा जब सो रहा होता है। जैसे कि शुरुआत में ही हमने बताया था कि माँ आकर बोल रही थी कि बच्चे को क्या किया था, मैंने सुलाया था। जब बच्चा सो रहा है तब यदि बच्चे की मृत्यु होती है तो ड्यूरिंग स्लीप, और वो भी अर्ली टाइम, जब सुबह का टाइम होता है, जैसे 3, 4, 2 बज रहे होते हैं सुबह के, तब ऐसे समय के अंदर जो है वो बच्चा मरता है। ये हो गया इसका टाइम। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे जो आपको जानने चाहिए या सिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ऐसे ही एक और है, रेस, कौन सी ऐसी प्रजाति होती है जिनके अंदर जो है वो सिड्स ज्यादा देखने को मिलता है, तो क्या होगा आपका सही जवाब, क्या रहेगा, अफ्रीकन, अफ्रीकन एंड नेटिव अमेरिकन। अमेरिकन में ज्यादा पाया जाता है देन एशियन, एशियन, एशियन बच्चों की तुलना में नेटिव अमेरिकन और अफ्रीकन बच्चों में सिड्स का खतरा जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट हैं जो आपको मालूम होने चाहिए कि सिड्स से संबंधित ये कुछ फैक्ट होते हैं। ठीक है, आप क्लास में पूरे बने रहें क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद इससे संबंधित जो भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं या आपके एनक्लेक्स में इससे संबंधित जो भी सवाल हैं उन सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंसिडेंस हो गया, ये हो गया आपका एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर, छोटा सा टॉपिक है आपका रिस्क फैक्टर। क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि कॉजेस तो कुछ भी नहीं है, अननोन कॉज है, एग्जैक्ट कॉज आपके पास नहीं है, तो कम से कम क्या होना चाहिए आपके पास, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर तो होना चाहिए। तो रिस्क फैक्टर को याद करने के लिए सिंपल सा तरीका दिया गया है उन बच्चों के लिए जो क्लासरूम स्टूडेंट हैं। तो कैसे रिस्क फैक्टर याद करेंगे आप, तीन चीजें हमने पढ़ ली है, पहले हमने इंट्रो पढ़ा है, फिर हमने डेफिनेशन के बारे में बात की है, डेफिनेशन के बाद में आपने एपिडेमियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात की है,
ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर एक मॉडल आता है, कौन सा? ट्रिपल रिस्क मॉडल, ठीक है। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, ट्रिपल रिस्क मॉडल जो है वो कौन सी बीमारी के लिए काम में लिया जाता है। तो ट्रिपल रिस्क मॉडल जो है वो भी सिड्स से संबंधित ही है। अब कौन से ट्रिपल रिस्क होते हैं उनके बारे में हम जरा सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो तो रहेगा एबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन एंड रेस्पिरेशन सेंटर। आपका जो सवशन का सेंटर है वहां या ब्रेन में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी यदि देखने को मिलती है तो यह तो पहला रिस्क फैक्टर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड स्लीप फैक्टर। और तीसरा और इंपॉर्टेंट जो आपका रिस्क फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफ रिस्क फैक्टर। इसके अलावा जो अदर रिस्क फैक्टर होते हैं उन्हें क्या करना, रूल आउट करना या उन्हें खोलना, उनके बारे में बताना। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। एबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन एंड रेस्पिरेशन सेंटर, सिड्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसका एग्जैक्ट कोज जो है वो हमें नहीं पता होता है कि किस बीमारी से बच्चा मर रहा है। लेकिन क्या होता है, ऐसा माना जाता है ट्रिपल रिस्क मॉडल के अनुसार कि ऐसे बच्चे जिनकी ब्रेन में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है जो कि पहले फाइंड आउट नहीं होती है, मतलब कोई ग्रॉस एनाटॉमिकली बीमारी नहीं होती है लेकिन उनके ब्रेन में जरूर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है, या फिर हो सकता है कि उनके रेस्पिरेशन सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि बच्चा कब मर रहा है, नींद के अंदर मर रहा है, सोने के बाद मर रहा है। तो सोने के बाद में क्या होता है, फिर भी श्वसन दर तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे बच्चों में श्वसन बंद होने की वजह से बच्चा क्या है, मरता है। तो श्वसन बंद होने की वजह से बच्चा मर रहा है तो हो सकता है, मैं एग्जैक्ट कोज की बात नहीं कर रहे, रिस्क फैक्टर मतलब हो सकता है कि उसके रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो। इसके बाद में आपने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड स्लीप फैक्टर, दूसरा है कोई भी फिजिकल और स्लीप फैक्टर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपने बच्चे को जो है वो एक ऐसे गद्दे पे सुलाया जो बिल्कुल क्या है, नरम है। तो जैसे किसी नरम गद्दे पर आपने बेबी को सुलाया है, ठीक है, ये आपका बेबी है, इसको आपने किसी नरम गद्दे के ऊपर सुलाया, तो जैसे ही बेबी को नरम गद्दे पे सुलाओगे बेबी का मुंह जो है यदि नीचे आया है तो कहां फंस जाएगा, उस गद्दे के अंदर फंस जाएगा, ठीक है। फिर आपने बोला फिजिकल फैक्टर, तो यहां पे गद्दा जो है जिस पे बेबी सो रहा था वो क्या है, फिजिकल फैक्टर, वो क्या है, फिजिकल फैक्टर। दूसरा आगे लिखा है स्लीप फैक्टर, लेकिन जैसे ही बच्चा सो गया तो वहां पर फिजिकल फैक्टर तो गद्दा था, अब बच्चे को इतनी गहरी नींद आ रही है कि उसे क्या हो गया, स्लीप एपनिया हो गया। क्या हो गया है उसे, स्लीप एपनिया हो गया है, फिर भी बच्चा जो है वह रो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि साथ में हो सकता है ब्रेन या रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो, सिर्फ हो सकता है, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं, सिर्फ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो दूसरा फैक्टर आपका बोलता है कि फिजिकल फैक्टर और स्लिप फैक्टर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तब भी सिड्स हो सकता है। और तीसरा, इसके अलावा कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रोन पोजीशन, ठीक है, यदि आपने बच्चे को प्रोन पोजीशन दिलाई है तो हो सकता है बच्चा प्रोन पोजीशन के अंदर अच्छे से सांस नहीं ले पाए। इसके अलावा हो सकता है कुछ मैटरनल कारक भी हो सकते हैं रिस्क फैक्टर में, जैसे माँ जो है वो स्मोकर है, माँ स्मोकर है तो माँ स्मोक कर रही है तो वो स्मोक चारों तरफ एनवायरमेंट में फैल रहा है, और बच्चा जो है वो पैसिव स्मोकर हो रहा है, पैसिव स्मोकर हो रहा है तो क्या सारा का सारा जो है वो इनहेल कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, और इनहेल कर रहा है तो हो सकता है सफोकेशन हो जाए और बच्चा मर जाए, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि बच्चा जो है LBW लो बर्थ वेट बेबी के अंदर ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है, प्रीमेच्योर बेबी जो है उसमें भी सिड्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं हम, एक्सप्लोर।
एक्सप्लोर ऑफ अदर रिस्क फैक्टर, बाकी भी रिस्क फैक्टर जो हैं, जिन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक कारण भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन कोई भी अभी तक स्टडी चल रही है, अभी तक एक फिक्स जीन या रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि सीड्स के लिए ये जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कारण होते हैं या रिस्क फैक्टर होते हैं। अच्छे से पढ़ना, इसके बाद इनसे संबंधित सवाल जो हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। अब रिस्क फैक्टर के बाद में हम बात करते हैं, यदि आप किसी बीमारी को पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके इंसिडेंस के वगैरह पढ़ लिया, फिर रिस्क फैक्टर। अब आगे बात करते हैं हम डायग्नोसिस के बारे में। अब बात करेंगे हम डायग्नोसिस, याद रह जाएगा ट्रिपल रिस्क मॉडल। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, आपने पहले ही पढ़ा था कि रूल आउट अदर। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस। तो क्या इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है कि बच्चा जो है वो किससे मरा है? सिड से ही मरा है। तो आपने कहा कि सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं चलता ना कि बच्चे की मृत्यु कब हुई है। आप तो जब देखते हो तो आप पाते हो कि बेबी तो मर चुका है, हमारा बेबी तो मर चुका है। तो डायग्नोसिस के लिए भी तीन क्राइटेरिया होते हैं। डायग्नोसिस के लिए भी क्या होते हैं? तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। आप एक ही मिनट में उन तीनों को भी आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला तो है ए रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री। ए रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री मैं यहीं लिख देता हूं, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ए रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री, ए रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री। अब ए रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री में क्या आएगा? ए रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री में आएगा कि बच्चा मर गया है, आप हॉस्पिटल में लेके आए हो कि रात को हमने सुलाया था, बच्चा जो है वो अभी कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है? डेटा चेक कर रहा है या असेसमेंट कर रहा है, उससे पूछ रहा है रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री कि आपने बच्चे को रात में क्या खिलाया था, क्या पहले भी बच्चे में ऐसी कोई बीमारी थी, या पहले भी कभी बच्चा जो है वो गहरी नींद में सोया था, या पहले भी कभी ऐसा हुआ है, या बच्चे को आपने पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, किसी दूसरी बीमारी का इलाज करवाया है, बच्चे का जन्म जो है वो समय से पहले तो नहीं हो गया था, बच्चा का जब जन्म हुआ तब यह इसका वजन कम तो नहीं था, इसकी माँ जो है वो सिगरेट तो नहीं पीती, एल्कोहल तो नहीं पीती, रात को बच्चे को अकेला सुलाया था या माँ के साथ में सुलाया था, ऐसे करके आप क्या कर रहे हो? ए रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री, उससे आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर पता चल जाएंगे। दूसरा, पहला हो गया रिव्यू ऑफ केस हिस्ट्री, फिर होगा क्या करोगे? डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस का क्राइटेरिया रहेगा डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन। यहां से भी आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, डीएसएसबी में यहां से भी सवाल पूछा गया है डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन। डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझो आप, डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन मतलब डॉक्टर अब हिस्ट्री लेने के बाद में पूछ रहा है कि जब आपने बच्चे को देखा तो बच्चा कैसा था, जब आपने बच्चे को देखा तो बच्चा कैसा था, मतलब असेसमेंट फाइंडिंग्स। डीएसएसबी के अंदर सवाल आया था, कई बार सीधे सवाल नहीं आते, अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, तो डीएसएसपी के अंदर सवाल आया था कि सीड्स का फर्स्ट असेसमेंट फाइंडिंग क्या है, आप क्या असेस करोगे कि बच्चा जो है वो सिड्स का शिकार हुआ है, तो फर्स्ट असेसमेंट साइन। तो यहां पर डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन का एक सब टाइप होता है असेसमेंट, क्योंकि डेथ सीन आप देख रहे हो, उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो वहीं पे तो असेसमेंट होता है, यहां पे तो सिर्फ हिस्ट्री ली जाती है। तो यहां डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन में जो भी सवाल आते हैं वो असेसमेंट फाइंडिंग से संबंधित सवाल आते हैं। यदि आप क्लासरूम स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर असेसमेंट फाइंडिंग के नाम से जो है वो आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर असेसमेंट फाइंडिंग से देखी जाती हैं। तो अभी मैं यहां पे जो कुछ भी लिखूंगा वो सारी की सारी क्या रहेंगी? असेसमेंट फाइंडिंग्स। जैसे कि पहली असेसमेंट फाइंडिंग डीएसएसबी के अंदर पूछी गई थी, सबसे पहली असेसमेंट फाइंडिंग रहेगी फर्स्टली क्या करेगा बच्चा, ठीक है, क्लींस द मैट्रेस। बच्चे को सांस नहीं आ रहा, ठीक है, सांस रुक चुका है उसका, तो वो क्या करेगा? क्लींस द मैट्रेस, वह मैट्रेस को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को
सांस लेने की कोशिश करेगा, अपने आप को पलटने की कोशिश करेगा, लेकिन वह ऐसा कर पाने में असमर्थ है। इसकी वजह आपने कहा कि कोई सा भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, उसके ब्रेन में कोई डिफेक्ट हो, या हो सकता है रेस्पिरेशन सेंटर में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया हो, या हो सकता है कोई स्लीप फैक्टर हो कि बच्चे को गहरी नींद आ गई हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो कि बच्चा जो है वो रो नहीं पा रहा हो। वरना तो जब सफोकेशन होगा तो जनरली बच्चा रोएगा, लेकिन ऐसी कंडीशंस में बच्चा रो नहीं रहा है, तभी तो माँ उठ नहीं पा रही है। तो डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन के असेसमेंट फाइंडिंग्स का पहला होगा क्लींसिंग द मैट्रस, क्लींस्ड मैट्रस, मैट्रस, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लींस मैट्रस, बच्चा जो है वो मैट्रस को क्लींस करेगा। दूसरा आप देखने को मिलेगा पल्सनेस, जब आपने देखा कि बच्चे ने मैट्रस को क्लींस कर रखा है, फिर आपने बच्चे को उठाया, ठीक है, पल्स चेक करनी, हाँ बेटा क्या हुआ क्या हुआ, उठ बाबू, ऐसे करके आप उठा रहे हो, पर बच्चा जो है वो पल्सलेस, पल्सलेस एंड साइनोस्ड बेबी। दूसरी असेसमेंट फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, या आप बताओगे डॉक्टर को कि बच्चे ने जो है वो अपनी मुट्ठी के अंदर जो है वो गद्दे को पकड़ रखा था और बच्चा जो है वो नीला पड़ चुका था, हमें लगा कि किसी जानवर ने काट लिया, बच्चे के अंदर पल्स मौजूद नहीं थी। फिर डॉक्टर पूछेगा और भी कुछ देखा क्या आपने, तब आप याद करोगे और आप बताओगे कि हाँ एक चीज और देखी हमने, क्या, यूरिन एंड स्टूल पास, बच्चे ने जो है वो यूरिन एंड स्टूल पास कर रखा था। तीसरी असेसमेंट फाइंडिंग्स, और फिर डॉक्टर और पूछ रहा है या डॉक्टर खुद वहां पे मौजूद है, तो वह देख रहा है सीन को, इन्वेस्टिगेट कर रहा है और देख रहा है कि एक और असेसमेंट फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, ड्रॉलिंग ऑफ माउथ, ड्रॉलिंग माउथ, ठीक है, मुंह से क्या थी, लार टपकी हुई थी। अब देखो ऐसा बच्चा जो सिड से मरा है उसके अंदर कौन कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से सवाल पूछा गया है डीएसएसबी में, असेसमेंट फाइंडिंग्स, असेसमेंट फाइंडिंग्स, पहली हो गई बच्चे ने जो है वो मैट्रेस को क्लींस कर रखा था, साथ में बच्चा जो है वो साइनोस्ट नीला पड़ गया था, स्टूल और यूरिन भी पास कर रखा था और मुंह से लार भी टपकी हुई थी। ये सारी की सारी किसे इंडिकेट कर रही हैं, सिड्स को इंडिकेट कर रही हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो है वो फिर फाइनल क्या करोगे, ऑटोप्सी, अब बच्चा तो मर चुका है ना, तो अब डायग्नोसिस कैसे बनाओगे कि बच्चा किससे मरा, पता तो लगाना पड़ेगा ना आपको, तो फिर क्या करोगे फाइनली, ऑटोप्सी, लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑटोप्सी, तो फिर आप क्या करोगे, आप ऑटोप्सी, क्या होता है ऑटोप्सी, हाँ वेरी गुड, सही जवाब है आपका, ऑटोप्सी का मतलब आपने क्या कहा, मृत जो उत्तक हैं आप उनकी जांच कर रहे हो कि कैसे मरे हैं ये उत्तक, तो मृत उत्तक की जांच कर रहे हैं, तो यहां से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, ऑटोप्सी में कौन से ऑटोप्सी जो है, ऑटोप्सी के साइन क्या क्या होंगे, या फाइंडिंग्स ऑफ ऑटोप्सी, ऑटोप्सी की क्या फाइंडिंग्स होंगी, तो मैं आपको एक दो फाइंडिंग्स जो है वो बताता हूँ। 5% केसेस के अंदर जो है वो बच्चों में डाउन सिंड्रोम और फ्रैंक निमोनिया देखने को मिलता है, सिड्स के 5% केसेस की, मतलब सिड्स की ऑटोप्सी आपने करवाई सब बच्चों की, तो 5% जो केसेस हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 5% केसेस में डाउन सिंड्रोम, ठीक है, फ्रैंक निमोनिया, फ्रैंक निमोनिया देखने को मिलेगा, और 50% केसेस में, ये इंपॉर्टेंट साइन है, अंडरलाइन कर लो, अच्छे से याद कर लेना, 50% केसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, ब्लड स्टेन, ब्लड स्टेन फ्लूइड एट माउथ एंड नोज, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से याद रखना, सिड्स के अंदर ऑटोप्सी में 50% बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड एट माउथ एंड नोज, बच्चे के मुंह और नाक पे आपको क्या है, कुछ रक्त की बूंदें नजर आएंगी,
आपको लगेगा कि अंदर से रक्त आया है, कुछ रक्त की बूंदें नाक में और कुछ रक्त की बूंदें मुंह में भी आपको देखने को मिलेंगी। ये ऑटोप्सी फाइंडिंग्स हैं, ये असेसमेंट फाइंडिंग्स हैं और ये आपकी केस हिस्ट्री। इन तीनों को आधार बनाकर आप आसानी से पता लगाएंगे कि बच्चा जो है वो सिड्स की वजह से मरा है या बच्चे की डेथ जो है वो सडन इन्फेंट डेथ है। याद रह जाएगा, इस प्रकार आप डायग्नोसिस बनाओगे। अब इस डायग्नोसिस और जो रिस्क फैक्टर हैं इनके आधार पर हम एक काल्पनिक पैथोफिजियोलॉजी कहानी तैयार करते हैं। जैसा कि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि बच्चा फिर मरता कैसे होगा, जब इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, बच्चे में कोई बीमारी नहीं है, बच्चा आराम से सो रहा है तो मरता कैसा है। तो जैसे मैं अपने हिसाब से काल्पनिक कहानी आपको सुनाता हूं या एक इमेजिनेशन मैंने जो तैयार किया है कि पैथोफिजियोलॉजी ऐसे हो सकती है, हो सकता है आपकी इमेजिनेशन कुछ अलग हो, लेकिन आप भी एक बार सोच के देखो आपके पास जो रिस्क फैक्टर है और जो डायग्नोसिस है उसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या होता होगा। सबसे पहले आपने रिस्क फैक्टर में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि बच्चा जो है वो प्रोन पोजीशन में रहता है और सोते समय मरता है। तो सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखें तो ये कोई किताब के हिसाब से नहीं है, अभी जो पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूं वो मैंने जो ये पढ़ा उसके आधार पर मुझे क्या लगता है कि ऐसे हो सकता है। आपको हो सकता है कि कुछ अलग लगे, तो मैं मेरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले बच्चा क्या होता है, प्रोन पोजीशन में सोता है। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। प्रोन पोजीशन में बच्चा सोएगा तो क्या होगा, बच्चा जो है वो प्रोन पोजीशन में सोएगा तो आपने कहा कि बच्चे में हो सकता है कोई ब्रेन और रेस्पिरेटरी सेंटर में एबनॉर्मलिटी हो या फिर कोई स्लीप फैक्टर हो। तो स्लीप फैक्टर मतलब आप समझो कि बच्चे में स्लीप एपनिया हो गया, ठीक है। प्रोन पोजीशन में सोएगा तो क्या हो जाएगा, कमी होगी, मतलब स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया हो गया। अब स्लीप एपनिया होने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट देखो, अब बच्चे में सांस की कमी हो रही है, मतलब बाहर से ऑक्सीजन बच्चा कम ले रहा है। बाहर से यदि बच्चा ऑक्सीजन कम ले रहा है तो बच्चे के ब्रेन के अंदर पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम, वेरी गुड, कमी होगी। सीधी सी बात है, हम ले ही कम रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो O2 का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब O2 का लेवल डिक्रीज होगा तो कौन किसका लेवल बढ़ेगा, वेरी गुड, CO2 का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अब CO2 का लेवल बढ़ गया और O2 का लेवल कम हो गया तो सीधी सी बात है आप बोलोगे कि सर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो हिल गया है और रेस्पिरेटरी सेंटर हिल गया है मतलब बच्चे में क्या हो गया, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया में चला गया बच्चा। अब बच्चे के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सांसों की कमी हो गई, बच्चा जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था सोते हुए, ठीक है, और ब्रेन काम नहीं कर रहा था इसलिए बच्चा जो है वो चिल्ला भी नहीं रहा था, रो भी नहीं रहा था, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेडीकार्डिया में चला जाएगा। क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, मतलब क्या हुआ, अब बच्चे के अंदर जो है वो क्या हो गया, सांस की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, श्वसन दर जो है वो कम हो गई, ठीक है। अब जो है ब्रेडीकार्डिया के अंदर चला गया, तो सीधी सी बात है ब्रेडीकार्डिया में जाते हैं तो आपने मेड सर्च में अच्छे से पढ़ा है कि ब्रेडीकार्डिया में गया है पेशेंट तो किसके चांसेस, कार्डियक अरेस्ट, वेरी गुड, ठीक है, बच्चे में किसके चांस होंगे, कार्डियक अरेस्ट के, कार्डियक अरेस्ट। ये पैथोफिजियोलॉजी है जो एक इमेज बेसिस है, कैसे होता होगा कि बच्चा उल्टा सो रहा है, फिर उसके अंदर स्लीप एपनिया होगा, फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 की बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिस्टर्ब होंगे जिसकी वजह से बच्चे में हाइपोक्सिया होगा, ब्रेडीकार्डिया होगा और फाइनली कार्डियक अरेस्ट आके बच्चा जो है वो मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप एक पैथोफिजियोलॉजी भी तैयार कर सकते हो। अब क्या बचता है, अब फाइनली आपका बचता है प्रिवेंशन या मैनेजमेंट। तो जब बच्चा मर ही गया तो अब तो क्या मैनेजमेंट करना, ये तो ऐसी बीमारी है जिसमें पता ही मरने के बाद चल रहा है आपको, बच्चा तो मर गया तो आप क्या करेंगे, तो अब आप बोलेंगे कि सर इसका मैनेजमेंट तो क्या होगा, तो फिर क्या करें, प्रिवेंशन, कैसे ऐसी बीमारी से बचा जा सके। अब फिर से आपका सवाल होगा कि सर आपने पहले तो हमें बता दिया कि अनएक्सप्लेन्ड और अनएक्सपेक्टेड डेथ है, तो जब हम इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते तो फिर हम कैसे इसे प्रिवेंट करें। तो सही बात है, जब जिस चीज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हम उससे प्रिवेंट नहीं करते, हमें नहीं पता ना भूकंप कब आएगा,
फिर भी हम भूकंपरोधी मकान तो बनाते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता ना कि हमारे बच्चे के अंदर सिड्स होगा, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि सिड्स होता तो है, इसलिए प्रिवेंशन तो करना ही है ना। तो कैसे प्रिवेंशन करेंगे, इसके लिए WHO ने कुछ सामान्य चीजें बताई हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं वही चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो WHO की गाइडलाइन के अनुसार सिड्स के प्रिवेंशन के लिए बताई गई हैं, और उन्हें याद करने का भी एक आसान सा तरीका है। 5 मिनट के अंदर आप इन्हें याद करोगे, उसके बाद में हम इससे संबंधित कुछ सवाल जो हैं वो डिस्कस करेंगे, इसलिए आप जो है वो लगातार हमारी क्लास में बने रहें। तो प्रिवेंशन क्या पढ़ना है हमें, प्रिवेंशन लास्ट है, प्रिवेंशन 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 को याद करने का सिंपल सा तरीका है WHO के अनुसार ABCD। क्या याद करोगे आप, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, क्लासरूम स्टूडेंट हो चाहे कंपटीशन वाले हो, ठीक है, याद करने का सिंपल सा तरीका ABCD। कैसे याद करोगे, A फॉर अलोन। आपको ध्यान रखना है बच्चे को अकेला सुलाना है, आप बच्चे के पास सो सकते हो लेकिन बेड पर नहीं, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे के लिए अलग बेड होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना कि झूलना में अंदर या पालने के अंदर बेबी सो रहा था 2 महीने का 4 महीने का, आपने कहा 2 से 4 महीने तक, तो 5 महीने तक जो है वो सोते समय जैसे आपने ब्रेस्ट फीड करवाया, तो आप फिर बोलोगे कि सर आप ऐसे बोलते हो, पहले तो आप बोलते हो कि बच्चे को माँ से चिपका कर रखना चाहिए, तो माँ से चिपका कर रखना चाहिए मतलब आपने ब्रेस्ट फीड करवाया, माँ से चिपकाया, अब जब आप सुला रहे हो तो सुलाते समय आप बेबी को जो है वो दूसरी तरफ सुलाओगे, साथ में सुला सकते हो पर बेबी के बेड पर नहीं सोना। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO की गाइडलाइन कह रही है, सिड्स की जो WHO ने गाइडलाइन बनाई है वो, ठीक है, इसमें मेरे कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट है बी, बी फॉर ऑन बैक। बच्चे को आपको सुलाना है हमेशा बैक पे, कभी भी बच्चे को स्टोमक मतलब प्रोन पोजीशन में नहीं सुलाना है। कैसे सुलाओगे बच्चे को, अकेले को सुलाओगे और सीधा सुलाओगे, याद रह जाएगा बच्चे को सुपाइन पोजीशन के अंदर सुलाना है, प्रोन पोजीशन के अंदर बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने रिस्क फैक्टर में पढ़ा था कि प्रोन पोजीशन जो है वो सिड्स को कोज कर सकती है, इसलिए WHO भी कहता कि ऑन बैक, बच्चे को बैक पे ही सुलाना है, पीठ के बल सुलाना है, सुपाइन पोजीशन में सुलाना है। सी फॉर अभी बताया क्रिप, ठीक है, कहा ना कि पालने के अंदर बच्चे को जो है वो सुलाना है, बच्चे को आप कहां सुलाओगे, पालने के अंदर सुलाओगे, बच्चे को आपको क्या करना है, पालने के अंदर सुलाना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज WHO के अनुसार, जब आप बच्चे को पालने में सुला रहे हैं तो पेसिफायर उसके मुंह में रखना है, दूध पिला दिया बच्चे को जब सुला रहे हो तो उसके मुंह में क्या देखोगे, पेसिफायर दे देखो, वो चूसनी आती ना जिसे बच्चा चूसता रहता है, क्या फायदा होगा, क्रीप में बच्चे को अकेला सुलायर पेसिफायर दिया है तो बच्चा चूसता रहेगा तो रेस्पिरेशन जो है वो बना रहेगा, कोई भी स्लीप फैक्टर जो है वो इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये फायदा है। नेक्स्ट है डी फोर, डोंट गिव हनी। यहां पे बहुत सारी माता जो है वो गलती करती हैं कि जब आप उसे पेसिफायर दे रहे हो तो मीठा दे देते हैं, हनी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन WHO की जो सिड्स की गाइडलाइन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डोंट गिव हनी, बच्चे को हनी नहीं देना है, क्योंकि मीठा यदि शहद आपने दिया है बच्चे को तो वो क्या करेगा, उसके होठों से चिपकेगा और होठ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब रात में बच्चे के होंठ चिपक जाएंगे तो बच्चा रो नहीं पाएगा, ठीक है, और सफोकेशन हो जाएगा, ठीक है, श्वसन दर जो है वो बदल जाएगी, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए WHO के अनुसार बच्चे को रात में कभी भी आपको हनी नहीं देना है, ठीक है। ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बच्चे को क्या करना है, एनवायरमेंटल
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बच्चे का क्या करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना है, ओवर हीटेड भी नहीं करना है। कहीं ऐसे नहीं कि आपने बहुत ज्यादा कमरा गर्म कर दिया है, यदि कमरा जो है वो ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना चाहिए ताकि आपको बच्चे को कंबल नहीं उड़ाना पड़े। यदि आपने बच्चे को कंबल उड़ा दिया तो कंबल की वजह से भी जो है वो सफोकेशन हो सकता है और बच्चे की जान जा सकती है, इसलिए WHO कहता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है F, फिल्म बैग। ठीक है, आपका जो बेड है जिसपे पालना है, जिसपे आपने बच्चे को सुलाया है, वो कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अभी मैंने शुरुआत में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि कोई भी मुलायम गद्दा नहीं होना चाहिए, यदि आपने मुलायम गद्दा दिया तो हो सकता है बच्चे का श्वसन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए जिस बेड पे आप या जिस गद्दे पे आप बच्चे को सुला रहे हो वह बिल्कुल सख्त होना चाहिए, फिर्म होना चाहिए, मुलायम नहीं होना चाहिए। आई फॉर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और बच्चे का प्रॉपर आपको इम्यूनाइजेशन भी करना है। ये कुछ गाइडलाइन जो हैं वो WHO के द्वारा दी गई हैं। उसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो कुछ और भी हैं, जैसे कि बच्चे को जो है प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, बच्चे को बार बार जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, जो माँ है उसे स्मोक से दूर रहना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चा यदि कहीं पर सो रहा है उसके आस पास किसी को भी स्मोक नहीं करना चाहिए, इसके अलावा कोई भी ऐसे उत्पाद नहीं खरीदने चाहिए जो ये बताते हो कि सीड से बचा, क्योंकि आपको पता है सीड से जो है उसका कोई कोज नहीं है। तो यदि आपको कोई बता रहा है मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है कि ये जो है वो सीड से बचाता है, तो आपको उसको नहीं खरीदना है, बच्चे के लिए नहीं काम में लेना है, क्योंकि सीड से बचाने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट से आपको बचना है। इस प्रकार जो है वो आप बच्चे की अनएक्सप्लेन्ड और अनएक्सपेक्टेड डेथ जो है उससे आप बचा सकते हो। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब इससे संबंधित कुछ सवाल जो है वो हम आपसे कर लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपने इस क्लास को किस तरीके से लिया है और आप कितने सवालों के सही जवाब दे पा रहे हो। कुछ सवाल जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ सवाल जो हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने लिए हैं। तो मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, सबसे पहला सवाल है आपके लिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लेस बेबीज ऑन, लिखो क्या वैसे बोल दोगे ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लेस बेबीज ऑन, महत्वपूर्ण है कि बच्चे को सुलाना चाहिए कैसे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है टमी, सेकंड ऑप्शन है ऑन फीट पैरों की तरफ, थर्ड ऑप्शन है बैक, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है स्टोमक। बेबी को स्टोमक के ऊपर सुलाना चाहिए, बेबी को बैक के ऊपर सुलाना चाहिए, बेबी को फीट के ऊपर सुलाना चाहिए। ठीक है, बताइए सही जवाब जो है वो क्या होगा, बच्चे को कैसे सुलाना चाहिए। अभी आपके सामने दिख रहा है प्रिवेंशन ऑन बैक, वेरी गुड, सही जवाब होगा बैक साइड। यदि आपने बच्चे को कैसे सुलाना है, ऑन बैक, पीठ के बल जो है वो आपको बच्चे को सुलाना है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, सीड्स इज द, खालिस्तान है, आगे लिखा है कॉज ऑफ डेथ फॉर बेबीज 1 to 12। ठीक है, एक से 12 महीने तक के बच्चों में सीड्स जो है वो कैसी बीमारी है या कैसी मृत्यु है, 1 से 12 महीने के बच्चों के अंदर सीड्स है। लिखा है इसमें पहला ऑप्शन है लिस्ट, एट लिस्ट मतलब बहुत लिस्ट, दूसरा लिखा है लीडिंग कॉज, ठीक है, तीसरा है पॉपुलर कॉज और चौथा है रेयर कॉज। 1 से 12 महीने के बच्चों के अंदर सीड डेथ जो है वो लिस्ट कॉज ऑफ डेथ है, पॉपुलर कॉज ऑफ डेथ है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है या रेयर कॉज ऑफ डेथ है। सही जवाब क्या होगा, क्या होगा सही जवाब, रेयर कॉज ऑफ डेथ, नहीं गलत जवाब, फिर क्या होना चाहिए, वेरी गुड सही जवाब, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। 1 से 12 महीने के बच्चों में सीड्स डेथ इज ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है,
सीड्स इज द अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ ए हेल्दी बेबीज अकर इन द एज. ठीक है, सीड्स जो है एक अनएक्सप्लेन्ड और अनएक्सपेक्टेड डेथ है जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, जनरली कौन से महीने में? वेरी गुड, बिना ऑप्शन के आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो, 2 से 4 महीने के अंतराल में जो है आपको यह मौत जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है. अब एक एनक्लेक्स का सवाल हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं. सवाल लिखा हुआ है, ए न्यू मदर एक्सप्रेस कंसर्न टू ए नर्स रिगार्डिंग सीड्स. एक माँ जो है वो क्या कर रही है, बातचीत कर रही है या पूछ रही है नर्स से, किसके बारे में? सीड्स के बारे में. ठीक है, एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है वो पूछ रही है कि ये सीड्स क्या होता है, उसके बारे में जानकारी ले रही है. तो आगे लिखा हुआ है, देन सीड्स रिगार्डिंग सीड्स सी असेस द नर्स हाउ टू पोजिशन हर न्यू इन्फेंट फॉर स्लीप द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट टेल्स द मदर. क्या पूछ रही है माँ कि सीड से बचने के लिए मैं मेरे बच्चे को कैसे सुलाऊं, तो नर्स का एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? ऑप्शन बोलूं या बिना ऑप्शन के दे दोगे? चलो ऑप्शन बोल देता हूं. पहला ऑप्शन है साइड और प्रोन. नर्स बोलेगी कि आपको बच्चे को क्या है, साइड लाइन पोजीशन या प्रोन पोजीशन देनी है. वेरी गुड, ये तो आएगा ही नहीं. दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है स्टोमक विद द फेस टर्न. आप बच्चे को स्टोमक पेट के बल लिटाओगे लेकिन चेहरे को घुमा दोगे. वेरी गुड, ये भी नहीं आएगा क्योंकि आपको पेट के बल भी नहीं लिटाना. यदि आपने तो टर्न कराया पर हो सकता है आपको नींद आने के बाद बच्चा फेस को फिर से टर्न कर ले और प्रोन पोजीशन हो जाए. नेक्स्ट लिखा है इसके अंदर बैक रेदर देन ऑन द स्टोमक. ठीक है, क्या करोगे, स्टोमक के पेट के बल सुलाने की बजाय आप बच्चे को किसके बल सुनाओगे, पेट के बल. वेरी गुड, आपका सही जवाब क्या होगा, बच्चे को क्या करना है, पेट के बल सुलाने की बजाय आप बच्चे को जो है वो पीठ के बल सुलाओगे. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब हमारी ये टॉपिक्स कंप्लीट होंगे उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन सेशन चलाएंगे, उसके अंदर भी बाकी सवाल जो है वो पूछेंगे. आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी. ये क्लास जो है वो आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके जूनियर के लिए, आपके सीनियर के लिए, उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होगी. यदि क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. हरे कृष्णा.